हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं बिल्कुल ओरिजिनल ढाबा स्टाइल में बीफ आलू कीमा। ये बहुत मज़े का बनता है, मेरे घर में ये बहुत बनता है, मेरे बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। इसके लिए हमने लिया है ये 1 किलो बीफ का कीमा, हाथ का कुटा हुआ, मोटा कुटा हुआ ये कीमा है। ये हाथ से चॉप किया हुआ है और मशीन का नहीं है ये। इसके साथ हमने लिए हैं ये 1/2 किलो आलू, 1 पाव टमाटर, 1 पाव प्याज, 10 से 15 जवे लहसुन, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून भर के नमक। इसके साथ ये सारी चीज़ें जाएंगी। ये 8 से 10 सब्ज मिर्चें हैं। ये 1 इंच का टुकड़ा अदरक का है, ये कुटी हुई लाल मिर्च है, ये धनिया पाउडर है, जीरा पाउडर है और कुटी हुई काली मिर्च है। सबसे पहले ये सारी चीजें हम कुकर में शामिल कर देंगे। फ्रेंड, इसको हम जो बीफ का कीमा है, ये अगर छोटे जानवर का भी हो तो इसको गलने में आधा पौना घंटा आराम से लग जाता है, तो वो चीज भी नहीं बनती, इतना जूसी भी नहीं बनता। इसलिए इसको 5 से 6 मिनट के लिए, आप विसल आने के बाद, जो इसका प्रेशर वेट घूमने के बाद, इसको आप 8 मिनट के लिए या 7 मिनट के लिए, अपने जो आपने कीमा लिया है उसकी क्वालिटी के हिसाब से आप इसको टाइम दे दें। इसको कुकर में गला लें पहले। ये लहसुन जाएगा इसके अंदर, ये सारी चीज़ें जाएंगी इसके अंदर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी और नमक, ठीक है। और ये सारा कीमा इसके अंदर चला जाएगा। ये देखिए, इसको मैंने अच्छा सा धो के रखा था, ये इसका पानी निकल गया सारा। आपने फ्लेम करते हैं यहाँ पे ऑन। इसके अंदर फ्रेंड आप पानी शामिल ना करें, इसको आप कवर करके इसको 5 मिनट के लिए छोड़ दें। ये प्याज और कीमा, टमाटर, हर चीज इंग्रेडिएंट जो उसके अंदर डालें वो अपना पानी छोड़ देंगे। तो उसके बाद आप इसका कुकर का ढकना बंद कर दें। जब वेट घूमने लग जाए तो आप इसको 7 से 8 मिनट के लिए इसको टाइम दे दें। हम इसको इस तरह इसके अंदर गला के फिर मिलते हैं आपसे। देखिए फ्रेंड, इसको पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं। ये देखें ये कितना अच्छा, ये जो है इतने पानी छोड़ दिया है सारे इंग्रेडिएंट्स ने। ये देखें, ये साबुत लहसुन है, इसके अंदर प्याज है, बिल्कुल भी मैंने इसके अंदर पानी शामिल नहीं किया था। अब हम इसका ढकना कुकर का बंद कर देंगे, इसके ऊपर वेट लगा देंगे। और ये विसल घूमने के बाद, यूं जब ये घूमने लग जाएगा तो इसको हम 8 मिनट पका लेंगे, उसके बाद मिलते हैं आपसे। फ्रेंड यहाँ पे 8 मिनट हो चुके हैं। फ्लेम इसका करते हैं बिल्कुल स्लो और इसका ये वेट हटाते हैं। वेट इसका हटा लेते हैं, इसकी स्टिंग उधर नीचे चली गई है। माशाल्लाह ये कीमा हमारा बहुत अच्छा सा गल चुका है। ये देखें, कीमे ने अपना फैट छोड़ दिया है, पानी इसका ड्राई हो गया है। मैंने इसमें बिल्कुल पानी शामिल नहीं किया था फ्रेंड, देखें आप। अब हम इसको कढ़ाई में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमने इसमें आलू भी ऐड करने हैं, दूसरे इंग्रेडिएंट भी ऐड करने हैं, तो ये हमें छोटा पड़ जाएगा कुकर। हम इसको कढ़ाई में ट्रांसफर करके फिर आपसे मिलते हैं। देखिए फ्रेंड, ये कुकर हमने खाली कर लिया है। ये देखिए, इसको हटा देते हैं साइड पे, फ्लेम यहाँ ऑन करते हैं। ये देखिए, ये हमारा अच्छा सा कीमा बनके रेडी है, बहुत अच्छा सा गल चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे ये चॉप की हुई सब्ज मिर्ची और धनिया, अदरक, सॉरी, चॉप की हुई हरी मिर्ची और अदरक इसमें शामिल कर देंगे। साथ ही इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून धनिया पाउडर और कुटी हुई लाल मिर्च।
हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे, ये एक कप ऑयल मैंने लिया है, मैं इसमें पूरा नहीं शामिल करूंगी, थोड़ा सा मैं इसमें से बचा लूंगी। ये देखिए इतना सा मैंने बचा लिया, क्योंकि हमारे घर में ज्यादा ऑयली खाना पसंद नहीं करते, इसलिए मैं थोड़ा सा बचा लूंगी। इसको मैं अच्छा सा भून के इसमें शामिल कर दूंगी आलू, अच्छा से इसको मैं भून लूं, फिर इसमें आलू शामिल करके आपसे मिलते हैं। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हम ये सारे आलू इसमें शामिल कर देंगे, सारे आलू इसमें अच्छे से शामिल कर देंगे, साथ साथ इसको भूनेंगे भी। ये देखें, ये देखें ऑयल इतना ही काफी है, ये मैंने एक कप में से थोड़ा सा ऑयल बचा लिया था, इसको मैं साइड पे कर देती हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा ऑयली खाना नहीं पसंद करती, ना ही मेरे बच्चे पसंद करते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है फ्रेंड कि आप घी में बनाएं, कोई ज़रूरी नहीं है कि जो किसी एक ने कोई चीज़ शामिल की है तो आपने वो ज़रूर करनी है। आप खाना अपने लिए, अपनी फैमिली और बच्चों के लिए बनाते हैं, आपके बच्चे और आपकी फैमिली जो चीज़ पसंद करते हैं आप उसको शामिल करें, जो चीज़ आपकी फैमिली में आपके घर में बच्चों को नहीं पसंद वो रिमूव कर दें, वो ना शामिल करें। ठीक है, इसको अच्छा सा हम भून के अच्छा सा इसको भूनेंगे, ये अच्छा सा घी छोड़ देगा, अच्छा सा इसको भून लेंगे। लास्ट में इसमें जाएगा ये कुटी हुई काली मिर्च और 1 टीस्पून जीरा पाउडर। मैं फ्रेंड गरम मसाले का इस्तेमाल भी बहुत कम करती हूँ, मेरे बच्चे गरम मसाला भी इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते, वो पसंद करते हैं ये सबज धनिया, बारीक कटी जूलियन कट कटी हरी मिर्ची, अदरक और नींबू, हमारे खाने में ये चीज़ें फ्रेश जाती हैं। गरम मसाला हम कम ही यूज़ करते हैं, बहुत कम ऑयल यूज़ करते हैं, घी में हम खाना बिल्कुल नहीं बनाते, ऑयल में बनाते हैं। अब इसको कवर करेंगे और फिर आपसे मिलते हैं। ये देखिए फ्रेंड, आलू गलाने के लिए भी मैंने इसमें पानी शामिल नहीं किया, ये स्टीम में ही बहुत अच्छे आलू गल जाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा घी छोड़ दिया है खाने में, आलू और कीमा बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, ये देखिए माशाल्लाह। ये देखिए आपको साइडों पे घी नज़र आ रहा होगा। वो स्पैचुलर अपने हाथ में रखें, साथ साथ कढ़ाई को साफ करते जाएं बर्तन को, वरना जले की स्मेल नहीं आती। ये देखें, ये मैंने इसको इसके अंदर आलू गलाने के लिए भी पानी बिल्कुल नहीं शामिल किया। अब इसको कवर करके ये भून गया है, अच्छा सा ऑयल छोड़ दिया इसने, आलू मैंने शामिल कर दिए हैं। अब इसको कवर करके आलू गलने तक दम पे पकाएंगे। ये देखिए फ्लेम बिल्कुल स्लो कर दें, इतना जितना कि हम चावलों को दम लगाते हैं या दम पे इसको छोड़ दें। 10 मिनट में इसके आलू गल के रेडी हो जाएंगे, फिर हम इसमें ये चीज़ें शामिल करेंगे और आपको इसकी दिखाएंगे फाइनल लुक। पानी जो है ना फ्रेंड, आप मीट में, आप कोई भी मीट लें उसमें पानी ना ही शामिल करें तो अच्छा है। अगर बहुत बड़े जानवर का गोश्त है, सख्त है, तो फिर उसमें पानी तो शामिल करना पड़ेगा, मजबूरी है। आप स्टीम में स्लो फ्लेम पे पकाएं, आपका जो कीमा है, मटन है, बीफ है, वो बहुत अच्छा गलेगा, जूसी बनेगा और उसका एक अलग से टेस्ट और फ्लेवर होगा। अगर आप फुल फ्लेम पे पानी डाल के पकाएंगे तो पानी ड्राई हो जाएगा, गोश्त हार्ड हो जाएगा, वो चीज़ नहीं बनेगी, तो इन चीज़ों का ध्यान रखा करें। ये देखें अभी हमने इसको दम पे छोड़ देना है, ये घी अच्छा सा छोड़ दिया है। ये एक कप पूरा घी भी नहीं मैंने ऑयल इसमें नहीं डाला, एक कप पूरा भी ऑयल इसमें नहीं गया। खाने में आप ऑयल की जो क्वांटिटी है वो कम ही रखा करें। ठीक है, इसको आलू गला के फिर आपसे मिलते हैं। देखिए फ्रेंड माशाल्लाह, ये आलू और बीफ कीमा बनके हमारा रेडी है। अब इसमें जाएगी ये कुटी हुई काली मिर्च। आलू बहुत अच्छे से गल चुके हैं, 10 मिनट हमने इसको दम पे लगाया था, ये भुना हुआ कुटा हुआ जीरा, इसको करेंगे मिक्स। ये देखिए फ्लेम कर देंगे स्टेज पे ऑफ। ये देखिए हाफ कप से भी वन कप से भी कम ऑयल में ये देखिए कितना अच्छा पक गया है, इसमें घी छोड़ दिया है। खाने में हमेशा ऑयल कम रखें, जो ढाबा है या रेस्टोरेंट है उनकी तो मजबूरी है, उन्होंने सेल करनी होती हैं चीज़ें, तो इसलिए वो घी में बनाते हैं, लेकिन
हमने अपने लिए अपने बच्चों के लिए बनाना है। अब इसमें जाएगी ये सब्ज मिर्चें, ये अदरक, ये सब्ज धनिया मैं इसमें शामिल नहीं करूंगी क्योंकि ये बहुत गर्म है फ्रेंड, तो ये काला पड़ जाता है। मैं इसमें जिसमें डिश आउट करूंगी उसके अंदर मैं इसको शामिल कर दूंगी। ये देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छा आलू कीमा बन के रेडी है। आप भी ज़रूर बनाएं, ज़रूर ट्राई करें। हमेशा जो मीट और की डिशेज होती हैं उनको आप स्लो फ्लेम पे बनाया करें तो उनका एक अलग ही फ्लेवर और टेस्ट निकल के आता है। ये देखें आलू और कीमा बन के रेडी है। ये देखें बहुत अच्छा सा माशाल्लाह ये जाएगा इसके अंदर सब्ज धनिया, ये थोड़ी सी मिर्ची और ये अदरक, ये नींबू की स्लाइस। आप भी ज़रूर बनाएं, ज़रूर ट्राई करें, बहुत मज़े का बनता है। सेम रेसिपी को फॉलो करते हुए बनाएं, बहुत ही टेस्टी बनता है। फ्रेंड अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।